हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज मोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि ट्रेन के लोकोमोटिव का इंजन कितने सीसी का होता है, तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और लोकोमोटिव के इंजन एवं उसके सीसी से जुड़ी सारी बातों को डिटेल्स में जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी नई चीजें जानने को मिलेंगी। इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, अक्सर आपने बाइक या कार खरीदते समय सीसी के बारे में जरूर सुना होगा कि हमारी बाइक 100 सीसी की है, 150 सीसी की है, यानी कि बाइक 100, 150, 300, 500 सीसी तक होते हैं। वहीं अगर कार की बात करें तो यह 1000 से लेकर 3000 सीसी तक जनरली होते हैं। दोस्तों, अब आपके मन की जिज्ञासा इस बात को जानने के लिए जरूर बेताब होगी कि अगर बाइक या कार के इंजन इतने सीसी के होते हैं तो लोकोमोटिव जो कि इतने भारी सामान को खींचते हैं उसका इंजन कितने सीसी का होगा। दोस्तों, लोकोमोटिव का इंजन कितने सीसी का होता है, इस बात को समझने से पहले आप इस बात को जान लीजिए कि सीसी का मतलब क्या होता है। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों, इंजन को घुमाने में मेन रोल पिस्टन का होता है, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का होता है, इसीलिए इसे सिलेंडर भी कहा जाता है। कोई इंजन कितने सीसी का होगा वह इस सिलेंडर के साइज पर निर्भर करता है, यानी कि इसकी साइज या वॉल्यूम को एक फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाता है। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से इस सिलेंडर के वॉल्यूम को निकाला जाए और वह जितना आएगा वही उस इंजन का सीसी होगा। अगर किसी सिलेंडर का वॉल्यूम 100 आता है तब वह 100 सीसी का होगा। अब बात करें लोकोमोटिव के इंजन की, तो दोस्तों लोकोमोटिव का इंजन एक बहुत ही हैवी मशीन होता है, जो कि भारी भारी गुड्स और पैसेंजर कोच को खींचते हैं, इसीलिए उसी के हिसाब से इसके सिलेंडर के सीसी को डिजाइन किया गया है। इंडियन रेलवेज में जनरली सभी डीजल लोकोमोटिव 16 सिलेंडर के होते हैं, जो कि 1,00,000 से 1,80,000 सीसी तक होते हैं, यानी कि इसके सिलेंडर की साइज 1,00,000 से 1,80,000 सेंटीमीटर क्यूब की होती है। दोस्तों, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि इतने साइज में एक नॉर्मल मानव शरीर आ सकता है। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि लोकोमोटिव के इंजन और उसके सीसी से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।